ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अभय चौटाला ने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा भरा और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक विरोधी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। अभय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है, वो दूसरे दलों से नेताओं को ला रहे हैं जिनको सबक सिखाने के लिए ऐलनाबाद की जनता तैयार बैठी है। ये जो चुनाव है ये मेरा चुनाव नहीं, मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस बात को लेकर के दिया था कि तीन कृषि के काले जो कानून बने और उससे जब देश में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और उनकी तरफ से एक मांग की गई कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर हमारा समर्थन करना चाहता है तो वो पहले रिजाइन करके आए। हमारी पार्टी ने तो पहले दिन से समर्थन किया हुआ था, लेकिन जब ये बात आई थी तो मैंने अपने हलके के लोगों से आकर के मिल करके पूछा था कि आज जो है इस आंदोलन को और ताकत देने की ज़रूरत है और उसको ताकत इस बात से मिल सकती है कि अगर मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ तो जहाँ ये आंदोलन मजबूत होगा वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो कहीं ना कहीं किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके चेहरे उजागर हो जाएंगे, वो नंगे हो जाएंगे। और मुझे लोगों ने खुल करके कहा था कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मैंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा से इस्तीफा दिया। और अब जब चुनाव आया तो इस चुनाव में भी मैंने हलके के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है एक पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो ऐलनाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि के काले कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कांग्रेस है और भाजपा ने उसे कानून बनाकर किसानों पर थोप दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, वो उंगली कटवा कर शहीद होना चाहती है। कांग्रेस ही दूध से धुले हुए नहीं है, कांग्रेस के लोग अब कहीं उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, किसानों की बात करने लगे हैं। इन कांग्रेस वालों ने 2012 और 13 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 2013 के लोकसभा के अधिवेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से बिल आया और उस बिल में इन्होंने खुल करके ये कहा कि हम इसको कानूनी अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और भाजपा जो है इसका विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा के विरोध की बात नहीं थी, बात तो थी कि उनके पास अपना बहुमत नहीं था और जो सहयोगी थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा कोई कानून आप इस देश में बनाओगे तो फिर आपका बिल गिर जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी, हम समर्थन नहीं करेंगे। मजबूर होकर के उनको फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ा, ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। आज कांग्रेस ही कहते हैं कि हम जो है किसानों के समर्थक हैं, आज तो रोजाना इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में कांग्रेस के लोग, शैलजा जी भी आएंगी, शायद हुड्डा भी आए, सुरजेवाला भी आए, उन तीनों से ये पूछना आप कि आप किस दिन बॉर्डर पे गए थे, आपने किस दिन जाके बॉर्डर पे किसानों का समर्थन किया, आप उनसे पूछना आप किस टोल पे जाकर के समर्थन करके आए। आपने तो जब पीपली के अंदर किसानों पे लठ बरसाए जा रहे थे तो कहा था कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम यहाँ धरना दे करके बैठ जाएंगे। हुड्डा से पूछना आप धरने के गए क्यों नहीं, धरना दिया क्यों नहीं आपने, अगर किसान के हितैषी थे तो फिर धरना देना चाहिए था।
उधर उपचुनाव में एलनाबाद से चौथी बार जीत का दावा करते हुए अभय चौटाला ने भाजपा और जजपा को भी जमकर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा का आज नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है, और रही बात कांग्रेस की, तो अगर कांग्रेस विधायक मेरे साथ इस्तीफा देते तो आज उपचुनाव नहीं होता, सीधा विधानसभा चुनाव होता और ये किसान विरोधी सरकार सत्ता से दूर हो जाती। जब मैंने इस्तीफा दिया, अगर ये कांग्रेसी मेरे साथ इस्तीफा दे देते तो आज बाई इलेक्शन नहीं होना था, आज मध्यवर्ती चुनाव होते हर हालत में, क्योंकि 32 MLA अगर एक साथ इस्तीफा देते हैं उसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है सरकार के ऊपर, फिर हम 32 नहीं होते। फिर बहुत सारे और ऐसे MLA थे जो उस वक़्त इतने डरे हुए थे, जो हर हालत में इस्तीफा देते और ये सरकार गिर जाती। सुनो आगे उसके बाद की बताता हूँ, फिर इसको कैसे BJP की सरकार को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए हुड्डा जो है, आप पूछना कि आप किस लिए सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव ले थे, किसानों को लेकर के चर्चा करने की बात थी तो अर्जेंट मोशन दे देते, आप कॉलिंग अटेंशन देते, आप जीरो ओवर में इस इशू को उठाते, आप उसके ऊपर चर्चा करते, बजाय ये सब कुछ करने के ये अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ गए और उससे वो 30-32 हुए, लेकिन उस सरकार को 6 महीने की ऑक्सीजन मिल गई। और जो लोग डरे हुए थे कहीं, जो चाहते थे कि किसी दबाव में इस्तीफा दे सकते थे, उन लोगों को रात मिल गई, वो लोग भी कहीं ना कहीं से बच गए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पूर्ण रूप से BJP के हाथों की कठपुतली है, उनके हाथों में खेल रहा है। आज BJP JJP का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज ऐसी हालत है कि जब गांव में जाएंगे वोट मांगने तब लोग एहसास कराएंगे उनसे इस बात का, खास करके कि आपका जो फैसला है, जो 3 कृषि के काले कानून आपने बनाए हैं, ये हमारे लिए मौत है, हमारी डेथ के वारंट है, हम आपको किसी कीमत पे अपना वोट नहीं देंगे। बता दें कि एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर दूसरी ओर से भी भाजपा जजपा और हलोपा के गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा भी जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पवन सिंह बेनीवाल भी जीत की हुंकार भरने में जुटे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि 2 दशक से एलनाबाद पर काबिज इनेलो इस बार उपचुनाव में अपना किला बचा पाती है या नहीं। एलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।